बहुत स्वागत है पौराणिक कथा चैनल में। मैं अंकित दुबे और आप देख रहे हैं पौराणिक कथा चैनल। दोस्तों आज हम आपको ऐसी वीडियो बताने जा रहे हैं जिसमें हम सिद्ध करेंगे कि भगवान आज भी धरती पर हैं और भगवान होते हैं। जो लोग भगवान को नहीं मानते उनके लिए ये वीडियो रहेगी मुंह तोड़ जवाब। तो आइए जानते हैं अमरनाथ जी में शिवलिंग अपने आप बनता है। जी हाँ दोस्तों, अमरनाथ जी में शिवलिंग अपने आप बनता है। माँ ज्वालामुखी में हमेशा ज्वाला निकलती रहती है। मैयर माता मंदिर में रात को आला आज भी आते हैं और सुबह सुबह पूजा करके चले जाते हैं। दोस्तों मैयर मध्य प्रदेश के सतना जिला में है। माता शारदा की पूजा के लिए आला आते हैं और सुबह सुबह पूजा करके चले जाते हैं। केदारनाथ मंदिर में इतने हादसा हो चुके हैं फिर भी उस मंदिर को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ा प्रभाव बताता है भगवान महादेव का। पूरी दुनिया में आज भी सिर्फ राम सेतु के पत्थर पानी में तैरते हैं। जी हाँ दोस्तों, राम सेतु का उल्लेख त्रेता युग में किया गया है। जब भगवान श्री राम की सेना ने राम सेतु का निर्माण किया था तो उस सेतु के पत्थर आज भी मिलते हैं जो पानी में आज भी तैरते हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान होते हैं। रामेश्वरम धाम में सागर कभी भी उफान नहीं मारता। जी हाँ दोस्तों, रामेश्वर धाम में सागर कभी भी उफान नहीं मारता। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ऊपर से किसी भी पक्षी या विमान का ना निकलना सबसे बड़ा प्रमाण है। जगन्नाथपुरी मंदिर की पताकाएं ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ती है। सबसे बड़ा तथ्य एक ये है, उज्जैन में भैरवनाथ का मदिरा पीना। जी हाँ दोस्तों, उज्जैन में भैरवनाथ का मदिरा पीना। गंगा और नर्मदा नदी के पानी का कभी भी खराब ना होना। माँ गंगा और माँ नर्मदा का प्रभाव तो सभी जानते हैं। यह प्रभाव ही प्रमाणिकता है कि माता हैं। चित्तौड़गढ़ में बाण माता जी के मंदिर में आरती के समय त्रिशूल का हिलना, ये सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। एवं तीर्थ स्थानों का होना जिनका उल्लेख ग्रंथों में किया गया है, ये प्रमाणिकता बताता है भगवान होने का। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भगवान को नहीं मानते वह भी मानने लगें। हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम।